हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सो टुडे लेक्चर नंबर 2, साइंस चैप्टर नंबर 6, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. मींस इन द लास्ट लेक्चर्स उन्होंने स्टार्ट किया था न्यू टॉपिक मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. मींस भौतिक मात्रा का हम लोग मापन किस तरह से, मतलब मेजरमेंट किस तरह से हम लोग करते हैं. सो टुडे न्यू टॉपिक इज स्टैंडर्डाइज्ड मेजरमेंट. इसके पहले लास्ट टॉपिक जो अपना हुआ था वेट का कंप्लीट हुआ था. मीन्स मानकीकृत माप. सो स्टैंडर्ड मेजरमेंट किससे हम लोग करते, लाइक स्टैंडर्ड यूनिट क्या है ऐसा मेजरमेंट करने का. फर्स्ट पॉइंट, टेक ए बॉल ऑफ स्ट्रिंग, लेट वन स्टूडेंट फ्रॉम द क्लास मेजर फोर हैंड स्पेन ऑफ द स्ट्रिंग एंड कट इट देयर. मीन्स स्ट्रिंग की एक गेंद ले आपको लेना है एंड कक्षा के एक छात्र को स्ट्रिंग के चार हैंड स्पेन को मापने दें और वहाँ क्या करना है आपको, कट करना है, मीन्स काट दें. देन लेट ईच ऑफ द अदर स्टूडेंट इन द क्लास कट फोर हैंड स्पेन ऑफ द स्ट्रिंग टू नाउ होल्ड ऑल द पीसेस टुगेदर बाय वन एंड आर दे ऑल ऑफ द सेम लेंथ. मीन्स कक्षा के अन्य छात्रों में से प्रत्येक को स्ट्रिंग के चार हाथ स्पेन काट दें. अब एक सिरे से सभी टुकड़े को एक साथ पकड़े. क्या करना है आपको, वन साइड से आपको क्या करना है, सभी टुकड़ों को क्या करना, पकड़ना है. क्या वे सभी एक ही लंबाई के हैं, देन आपको चेक करना है क्या जो आपने जो कट किया लाइक का, सो एक ही साइज है उनका, एक ही लेंथ है उनका, लंबाई एक ही है क्या, साइज एक ही है क्या, वो आपको क्या करना है, चेक करना है. सो देन सेकेंड पॉइंट इज, नाउ मेजर द लेंथ ऑफ बेंच बाई मीन्स ऑफ द स्पेन ऑफ योर हैंड. सो अब एक बेंच की लंबाई को मापने मापे अपने हाथ की अवधि से. लाइक आपको क्या मोस्टली क्या है, जैसे मेजरमेंट जो करते हैं मीन्स सबका क्या है अपना यूनिट है, बट आपको क्या बोल रहे हैं बेंच का, क्या किससे मेजरमेंट करने के लिए, मीन्स अपने जो हैंड से मेजरमेंट करने के लिए. आस्क योर फ्रेंड टू डू द सेम. एंड आपको क्या करना है, पूछना है फ्रेंड से मीन्स कि क्या सेम है क्या, अपने दोस्तों को भी ऐसा करने के लिए कहे ऐसा. डिड ईच ऑफ योर ऑप्टेन द सेम मेजर फॉर दैट बेंच, व्हाट कुड बी द रीजन. एंड आपको क्या करना है कि आप में से प्रत्येक ने उस बेंच के लिए एक ही उपाय प्राप्त किया था, क्या कारण हो सकता है, क्या रीजन क्या हो सकता है उनका ऐसा. स्टैंडर्डाइज मेजर्स आर रिक्वायर्ड फॉर मेजरिंग थिंग्स, सच मेजर्स आर कॉल्ड स्टैंडर्ड यूनिट्स. मीन्स चीज़ों को मापने के लिए मानकीकृत उपायों की आवश्यकता होती है. ऑलरेडी आपको पता है कि एनीथिंग हम लोग जो मेजरमेंट करते किसी भी चीज़ का, दूध हो गया या कोई हम सामान लेने जाते हैं लाइक राइस हो गया, वीट हो गया, तो उसको क्या मेजरमेंट हम लोग करते हैं, तो उनका क्या फिक्स कुछ ना कुछ यूनिट रहता है कि जैसा राइस लाने जाए तो किलो में ऐसा जो मिलता है अपने को, किलो में ग्राम में इस तरह से इनका यूनिट है. वैसे आप दूध लेते तो कैसा उनका यूनिट क्या रहता है लाइक का लीटर हो गया ऐसा मापने का ऐसा. सो कुछ ना कुछ इनके क्या मानकृत उपायों से कि इनका क्या एक यूनिट किस कुछ ना कुछ है लाइक सच मेजर्स आर कॉल्ड स्टैंडर्ड यूनिट है. और ऐसे उपायों को मानक को क्या कहा जाता है, मानक इकाई कहा जाता है, स्टैंडर्ड यूनिट कहा जाता है, मीन्स मानक इकाई कहा जाता है उनका यूनिट. वी हैव टू मेजर मैनी फिजिकल क्वान्टिटीज एक्यूरेटली. मीन्स हमें कई भौतिक मात्राओं को सही तरीके से मापने होंगे. किसी भी मात्रा को मापने के लिए हमें क्या चाहिए, टू मेजर एनी क्वांटिटी वी यूज द यूनिट स्पेसिफाइड फॉर इट. और किसी भी मात्रा को मापने के लिए हमें क्या चाहिए, पर्टिकुलर एक मीन्स हम लोग क्या करते हैं स्पेसिफाइड को फिक्स हम लोग क्या है इनका यूनिट लेते हैं एक हम लोग क्या, हम इसके लिए एक निर्दिष्ट इकाई का उपयोग करते हैं फिक्स जो मतलब इनके लिए ही पर्टिकुलर हो ऐसा. फॉर एग्जाम्पल द मीटर इज द स्पेसिफाइड यूनिट फॉर मेजरिंग लेंथ. अभी मीटर किसका यूनिट है, मीन्स लाइक लेंथ के लिए हम लोग कितने लेंथ मेजरमेंट करने के लिए ऐसा. आप अभी लाइक शॉप में जाते हैं कुछ आपको कपड़े लेने रहते हैं तो आप क्या बोलते हैं, हाँ टू मीटर मेरे को वाइट कलर में कपड़े चाहिए या रेड में चाहिए ऐसा, तो आप मीटर में ही बात करते हो वहाँ पे. सो मतलब ये लेंथ को मेजरमेंट किस में होता है, मीटर में. ओके, ए सर्टेन डिस्टेंस हैज बीन एक्सेप्टेड एज द स्टैंडर्ड फॉर 1.0 मीटर. मीन्स इस जो आपका जो डिस्टेंस है एक निश्चित दूरी को 1.0 मीटर मानक के रूप में स्वीकार किया गया है. ऐसे मानक को इकाई की आवश्यकता क्यों है लाइक सो उन्हें यूनिट की आवश्यकता क्यों है. ऑलरेडी डिस्टेंस भी किसमें लाइक आपका मेजरमेंट यहाँ पे बताएं
1.0 मीटर, वाई इज़ देयर नीड फॉर सच स्टैंडर्ड यूनिट, और ये मीन्स रीजन क्या है जो आपको स्टैंडर्ड यूनिट की जरूरत पड़ती है, लाइक जरूरत पड़ती है आपको कि मेजरमेंट के लिए ऐसा। सपोज द स्पेन ऑफ ए हैंड इज एक्सेप्टेड एज द यूनिट फॉर मेजरिंग लेंथ, मीन्स ऐसी मान लीजिए हाथ की अवधि को लंबाई मापने के लिए इकाई रूप में स्वीकार किया जाता है, मीन्स जो हैंड से जो हम लोग मेजरमेंट करते हैं, सो उसका किस तरह से हम लोग मेजरिंग लेंथ करते हैं हैंड से। विद दिस यूनिट वी कैन मेजर लेंथ ऑफ क्लोथ एज टू हैंड स्पेन, थ्री हैंड स्पेन एंड सो ऑन। तो उससे हम लोग कैसा मेजरमेंट, हाथ से जो हम लोग क्या करते हैं, इस इकाई से हम लोग क्या कर सकते हैं, लाइक हम कपड़े की लंबाई को दो हैंड स्पेन मीन्स दो हाथ तीन हाथ इस तरह से हम लोग क्या मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसा मेजरमेंट हम लोग जो ऑलरेडी लेंथ को मेजरमेंट ऑलरेडी आपका किस में होता है, जो वाटर क्लोथ हो गए मीन्स कपड़े सब जो हो गए इनका क्या मेजरमेंट होता है, लाइक जो लेंथ है मीन्स मीटर में एक तरह से करते हैं। बट हम लोग ऐसा सेकेंड थिंग क्या कर सकते हैं, हम लोग लाइक हैंड से भी कर सकते हैं। बट ये स्टैंडर्ड यूनिट है क्या, नहीं। हाउएवर सो लेंथ ऑफ द क्लोथ मेजर बाई ईच वन ऑफ अस विल कम आउट टू बी डिफरेंट, मीन्स अभी क्या है, हालांकि हम में से हर एक द्वारा मापा जाने वाला कपड़े की लंबाई अलग अलग होगी, क्योंकि मालूम है आपको ऑलरेडी ऑल ऑफ यू नो कि सब हर जो पर्सन होते हैं इनके जो हैंड के जो लेंथ होते हैं मीन्स अपने हाथ का जो लंबाई होगा सबका डिफरेंट डिफरेंट रहता है, किसी का स्मॉल थोड़ा रहता है, किसी का थोड़ा ज़्यादा साइज में रहता है हैंड के जो लेंथ होते हैं। तो ऑलरेडी वो अगर मेजरमेंट अगर कपड़े के करेंगे तो उनके डिफरेंट डिफरेंट सबका मेजरमेंट आएगा। इसके लिए क्या रहता है, अपने को पर्टिकुलर वन यूनिट की मीन्स लाइक नीड रहता है कि हमने पर्टिकुलर वन यूनिट मिलेगा तो उससे हम लोग मेजरमेंट करेंगे, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं दिखेगा आपको ऐसा। अब हैंड से करेंगे तो ऑलरेडी है, जिसका हैंड लंबा रहेगा उसका मींस लंबा उससे होगा मींस मेजरमेंट जो करेगा ऐसा। सो डैट इज़ वाई ए हैंड स्पेन कैन नॉट बी स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग लेंथ, और इसके लिए क्या है, जो हैंड स्पेन करके जो ये हाथ से जो हम लोग मेजरमेंट करते वो क्या है आपका स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, मींस ये आपका क्या है स्टैंडर्ड नहीं हो सकता, एक मानक इकाई नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें कैसा है डिफरेंट पर्सन का डिफरेंट मेजरमेंट आएगा, इसके लिए स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। स्टैंडर्ड यूनिट मीन्स सबके लिए सेम, हर जगह इसी से मेजरमेंट होना चाहिए, कुछ डिफरेंट नहीं होना चाहिए ऐसा। देर आर मेनी फिजिकल क्वांटिटीज बट ए मेजोरिटी ऑफ देम आर रिलेटेड टू ईच अदर, अभी कैसे है कई भौतिक मात्राएं हैं लेकिन उनमें से अधिकांश एक दूसरे के लिए वास्तविक है। फॉर एग्जांपल यू हैव लर्न दैट द क्वांटिटी स्पीड इज द रेशो ऑफ द क्वांटिटीज डिस्टेंस एंड टाइम, मीन्स अभी कैसे है स्पीड का जो स्पीड है उसका क्या है फॉर्मूला मीन्स रेशो किस में रहता है, वो डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड हम लोग किसे मेजरमेंट कर सकते हैं, स्पीड के लिए हमें क्या क्या चाहिए, डिस्टेंस स्पीड अगर पता करना है आपको तो डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए एंड टाइम पता होना चाहिए, देन हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं स्पीड। सो लाइक उदाहरण के लिए अपने सीखा रहेगा कि ये कि किस तरह से हम लोग स्पीड अगर मेजरमेंट करना है, अपने को गति पता करना है तो उसके लिए मात्रा में क्या होना चाहिए, दूरी एंड समय का अनुपात, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके लिए वर्क आउट द एरिया ऑफ योर क्लासरूम विच क्वांटिटीज आर टेकन इन टू अकाउंट टू कैलकुलेट द एरिया, मीन्स अपनी कक्षा के क्षेत्र में काम करें और गणना के लिए कौन सी मात्रा को ध्यान में रखा जाता है क्षेत्र में। सो लिसन ऑल ऑफ यू, ऑलरेडी मैथ्स में हम लोग पढ़ते हैं फाइंड आउट एरिया करके ऐसा आता है आपको, फाइंड आउट एरिया अगर निकालना लाइक रेक्टेंगल का स्क्वायर्स का, सो लिसन ऑलरेडी हम लोग इसमें निकालते हैं मीन्स स्क्वायर, लाइक अगर मीटर में अगर यूनिट गिवन है सो मीटर स्क्वायर इस तरह से। सो हम लोग फाइंड आउट अगर आपको कैलकुलेट अगर बोल दिया क्लास का एरिया फाइंड आउट करो तो फर्स्ट ऑल ऑफ यू चेक कि जो आपका क्लासरूम है स्क्वायर शेप में या रेक्टेंगल में ऐसा, ओके तो उसके लिए पर्टिकुलर क्या यूनिट आपका है। फंडामेंटल क्वांटिटीज मीन्स मौलिक मात्रा। इट इज़ इनफ टू सेलेक्ट ए फ्यू आउट ऑफ मैनी क्वान्टिटीज एंड स्टैंडर्डाइज देयर यूनिट्स, मीन्स ये कई मात्राओं में से कुछ का चयन करने और उनकी इकाइयों को मानकीकृत करने के लिए पर्याप्त है, मीन्स ऑलरेडी लिसन आपको क्या है कि सो मैनी क्वान्टिटीज है और उसके क्या है पर्टिकुलर स्टैंडर्ड यूनिट भी है। यू कैन सी फ्रॉम द एबव एग्जाम्पल डैट यूनिट्स ऑफ द क्वान्टिटीज लेंथ एंड टाइम नीड टू बी स्टैंडर्डाइज। सो लिसन आपने देखा है कि जो ऊपर के जो एग्जांपल्स हम लोगों ने अभी उदाहरण जो हम लोगों ने देखा है कि मात्रा मीन्स जो क्वांटिटी आपके लेंथ हो गए लंबाई और समय की इकाइयों की मानकीकृत करने की आवश्यकता है,
ऑलरेडी आपको पता है कि लाई का जो लेंथ है उसका मेजरमेंट किस तरह से होता है मीटर में, टाइम का भी आपको पता है लाई का किस समय में, इसका यूनिट टाइम का, लाई का यूनिट क्या है आपका, मीन्स आवर्स में एंड सेकेंड में। सच क्वान्टिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वान्टिटीज एंड देयर यूनिट्स आर कॉल्ड स्टैंडर्ड यूनिट। और ये जो क्वान्टिटीज है, ये जो मात्रा है, उनको क्या बोलते हैं हम लोग, फंडामेंटल यूनिट मीन्स मौलिक मात्रा कहा जाता है, फंडामेंटल यूनिट। और इनकी इकाइयों जो इसका जो यूनिट है उसको क्या कहा जाता है, मानक इकाई मीन्स स्टैंडर्ड यूनिट्स। जो स्टैंडर्ड यूनिट्स मीन्स हर जगह इसी से मेजरमेंट हो ऐसा। ऑफकोर्स ए स्टैंडर्ड फंडामेंटल यूनिट मस्ट बी अवेलेबल टू ऑल एंड इट्स मस्ट नॉट बी वेरिएबल। जो आपको मैंने स्टार्टिंग में मुझे बताया था, स्टैंडर्ड फंडामेंटल यूनिट मीन्स जो हर जगह पे क्या है, अवेलेबल हो एंड कुछ चेंजेस नहीं होना चाहिए मेजरमेंट में। ऐसा नहीं कि लाइक हमने मेजरमेंट किया तो कुछ अलग आया, उनका मेजरमेंट किया कुछ समथिंग डिफरेंट आया, ऐसा ऐसा कुछ वेरिएबल आपको चेंजेस दिखने को नहीं मिले, परिवर्तन कुछ। अगर लाइक अगर इंडिया में अगर हम कर रहे हैं तो अमेरिका में भी क्या उसका मेजरमेंट क्या सेम ही रहना रहेगा, मीन्स जो स्टैंडर्ड यूनिट होते हैं। अगर अभी जैसा मैंने हैंड का जैसे आपको बताया, हैंड का क्या मेजरमेंट का ये स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, बिकॉज डिफरेंट पर्सन के हैंड क्या है, हैंड के जो लेंथ है वो डिफरेंट होते हैं, इसके लिए स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, तो हम लोग कैसे अभी स्टैंडर्ड देगा अभी, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट मीन्स अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में किस तरह से यूनिट्स काम करते हैं। एन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बेस्ड ऑन सेवन फंडामेंटल यूनिट्स आर कॉल्ड सिस्टम इंटरनेशनल मेन, शॉर्ट में क्या हम लोग बोलते हैं, एस आई यूनिट बोलते हैं इसको। मीन्स जो आपका इंटरनेशनल यूनिट है मीन्स उसमें क्या है, सात मूलभूत इकाइयों पर आधारित है, इकाइयों की एक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है, जो कितने हैं, सेवन फंडामेंटल यूनिट्स है। सो उसके बेस पे क्या है, आधारित है मीन्स। तो और इसे किसे क्या, इसे क्या कहते हैं, लाइक सिस्टम इंटरनेशनल एंड शॉर्ट में क्या बोलते हैं, मीन्स SI यूनिट इज करेंटली यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ये क्या है आपका, ऑल ओवर द वर्ल्ड में यूज होता है मीन्स। और ये जो यूनिट है वो हर जगह पे मेजरमेंट होगा इसी से ऐसा, इसमें कुछ चेंजेस नहीं आपको देखने को मिलेगा, ये इंडिया में, ये अमेरिका में, मीन्स ऑल कंट्री में जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल होता है वो सारे हर जगह के यूनिट क्या होते हैं, सेम होते हैं। सो इट इज कॉल्ड द मैट्रिक सिस्टम। और वर्तमान में पूरी दुनिया में उपयोग की ये तो होगा आपका, और इसे आपको क्या होगा मीन्स लाइक क्या कहेंगे इसे आप लोग, मैट्रिक प्रणाली भी कहा जाता है, और इसे क्या होगा, मैट्रिक प्रणाली भी कहते हैं। द नेम्स एंड सिंबल ऑफ द यूनिट्स ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज लेंथ टाइम एंड मास इन दिस सिस्टम आर गिवेन इन द फॉलोइंग टेबल। मीन्स आपके जो इनके जो नेम हो गए, इनके जो सिंबल, अभी आपको पता होगा लाइक इनके जो यूनिट्स है इनका कुछ ना कुछ पर्टिकुलर नाम तो रहेगा ही, नेम तो अभी क्या लेंदी रहते किसी की, मीन्स शॉर्ट में हमें सिंबल उसका क्या होगा शॉर्ट में, ऐसा जैसा सिस्टम इंटरनेशनल है इसका शॉर्ट में क्या रखा है, सिंबल क्या है, SI रखा है। वैसा ही जैसे आपका जो लेंथ हो गए, टाइम हो गया एंड मास हो गया, ये जो सिस्टम मीन्स इन ये जो फंडामेंटल जो क्वांटिटी है इनके क्या पर्टिकुलर कुछ नेम्स तो है एंड सिंबल है। सो ऑल ऑफ यू सी इन द फॉलोइंग टेबल, तो आपको क्या करना है, टेबल में चेक करना है। सो ऑल ऑफ यू देखो, क्वांटिटी में आपके क्या मात्रा में कौन कौन से हैं, लेंथ हो गए, मास हो गए, टाइम एंड नेम ऑफ द यूनिट। अभी इसके यूनिट क्या है, मीन्स लेंथ आपको पता है मेजरमेंट किस में करते हैं, मीटर में हम लोग मेजरमेंट करते हैं लेंथ को। देन मास हम लोग किस में मेजरमेंट करते हैं, किलोग्राम में हम लोग जैसे शक्कर लाने जाते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, 1 kg चाहिए, मीन्स किलोग्राम में हम लोग मेजरमेंट करते हैं इसका जो यूनिट है। देन टाइम हम लोग किस में देखते हैं, मीन्स मेजरमेंट करते हैं इसका यूनिट क्या है, मीन्स सेकेंड। एंड सिंबल क्या है, मीन्स मीटर है तो इसका m रहेगा, किलोग्राम है तो इसका क्या है सिंबल kg, एंड सेकेंड का क्या है, सेकेंड में मीन्स इसका क्या है यूनिट स्मॉल s। तो इस तरह से आपके क्वांटिटी है सम एंड उसके यूनिट्स है एंड सिंबल है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस चार्ट है, बिकॉज लेंथ का यूनिट क्या है, मास का यूनिट्स क्या है एंड टाइम के यूनिट्स क्या है एंड सिंबल क्या है। ओके, सो ऑल्सो लाइक जैसा वन सिस्टम में कैसे आपका जो है लाइक वन थिंग ऑल्सो रिमेंबर कि लाइक प्रिवेलिंग सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में जैसे MKS सिस्टम एंड CGS सिस्टम करके, मीन्स MKS सिस्टम मीन्स क्या होता है इसमें, इन दिस सिस्टम डिस्टेंस इज मेजर्ड इन मीटर्स, मास आपका किस में मेजरमेंट रहेगा लाइक आपको पता है किलोग्राम में, एंड टाइम किस में होता है आपका सेकेंड्स में, एंड CGS सिस्टम में क्या होता है, इन दिस सिस्टम डिस्टेंस इज मेजर्ड, आपको डिस्टेंस किस में मेजर रहेगा सेंटीमीटर में, और MKS में क्या था मीटर में, वैसे मास का इसमें किस में रहेगा ग्राम में रहेगा CGS यूनिट में, एंड टाइम का क्या रहेगा सेकेंड में। सो CGS और MKS सिस्टम ऑल्सो है, टेक्स्ट बुक में गिवन है।
मीन्स एम के एस सिस्टम के, एम के एस का मीन्स लाइक एम के एस आपका इसमें फुल फॉर्म क्या हो गया, मीटर किलोग्राम सेकेंड, एंड सी जी एस मीन्स सेंटीमीटर किलोग्राम, सेंटीमीटर किलोग्राम सिस्टम का इसमें है। इस तरह से आपको एम के एस एंड सी जी एस सिस्टम भी टेक्स्ट बुक में गिवेन है। सो टुडे आई स्टॉप दिस लेक्चर, सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। ऑल्सो मीन्स यूनिट टेस्ट के लिए मीन्स ऑल ऑफ यू जो फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर हुए हैं उसमें से ऑल ऑफ यू लिसन, जो स्मॉल टाइप क्वेश्चन है लाइक मैच द फॉलोइंग वन सेंटेंस आंसर एंड ऑल्सो फिलिंग द ब्लैंक्स। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप लोग ऑल ऑफ यू स्टडी लर्न करते रहो क्वेश्चन, बिकॉज क्वेश्चन पेपर सेट होने वाले हैं। सो ऑल ऑफ यू जो हाईलाइटेड वर्ड है मीन्स सेकेंड चैप्टर में एंड ऑल्सो फर्स्ट चैप्टर में जो हाईलाइटेड है मीन्स ब्लैक कलर में या एनी अदर कलर्स में दिया है, जो डेफिनेशन एनीथिंग इंपॉर्टेंट है ऑल्सो वैसे फिलिंग द ब्लैंक्स में क्वेश्चन आ सकते हैं ऐसा क्वेश्चन। सो ऑल ऑफ यू थैंक यू सो मच।